और सूप। ये सूप बहुत ही टेस्टी रहेगा और गर्मा गर्म पीजिएगा, आपका गला खुल जाएगा। सर्दी में तो ये बहुत ही लाजवाब लगेगा सूप। तो चलो बनाना शुरू करते हैं हॉट एंड सोर सूप। हॉट एंड सोर सूप बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हाफ बाउल कैबेज लिए, पत्ता गोभी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिए, एक कैरेट इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिए, 2-3 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन, ग्रीन्स जिसे ग्रीन्स और वाइट दोनों मैंने सेपरेटली कटिंग की है, हाफ बाउल फ्रेंच बीन्स इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिए, एक छोटा अनियन इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, सोया सॉस, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, 4-5 लहसुन की कली जिसे मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है, और हाफ इंच जिंजर का टुकड़ा इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और ब्लैक पेपर आवश्यकता अनुसार हम लेंगे, और विनेगर 2 स्पून लेंगे हम। तो मैं हॉट एंड सोर सूप बनाना शुरू करती हूँ। एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में बनाएंगे हम सूप। 2 स्पून बटर डाला है मैंने, बटर मेल्ट होने से पहले मैं इसमें अनियन डालूंगी, और जिंजर गार्लिक, इसे हल्का सी फ्राई करते हैं बटर में। हल्का सी फ्राई होने देते हैं, हल्का कलर चेंज हो जाए जब तक हम फ्राई करेंगे, हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंच बीन्स, कैरेट, कैबेज, स्प्रिंग अनियन के व्हाइट्स डालूंगी, ग्रीन हम बाद में डालेंगे, अच्छे से 1-2 मिनट फ्राई करती हूँ। ये सूप पीने में बहुत ही हेल्दी रहेगा क्योंकि सारी वेजेस आ गई है इसमें, और गर्मा गर्म पियेंगे तो सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है। हल्के से फ्राई हो गए हैं सब्जी, एक स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी, अच्छे से मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़े से ब्लैक पेपर, 1/4 स्पून, आप ज़्यादा तीखा पसंद करें तो ज़्यादा डालिएगा, हाफ स्पून सॉल्ट, सॉल्ट भी आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा, हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, 2 ग्लास पानी डालूंगी मैं, विनेगर डाल देते हैं, दो स्पून विनेगर डालना है हमें, मैंने एक भरकर डाली और एक थोड़ा सा इसमें आ गया ऑलरेडी, इसलिए 1 ही स्पून लिया है। अब इसे बॉईल होने देंगे, अब मैं इस कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाती हूँ, लगभग 2-3 स्पून पानी डालेंगे हम, और बिल्कुल लम्स फ्री पेस्ट बनाना है हमें, अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी हम इसमें डाल देते हैं,
और इसे लगभग 7-8 मिनट के लिए हम ऐसे ही बॉईल होने रह देंगे। लगभग 7 मिनट से अच्छा बॉईल हो रहा है सूप। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स डाल देती हूँ और सिर्फ 1 मिनट के लिए और इसे बॉईल होने देंगे ऐसे ही। लगभग 1 मिनट हो गई है, सूप हमारा बनकर रेडी हो गया है। मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्व कर लेती हूँ। सूप की मैंने सर्विंग कर ली है बाउल में। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी, टेस्ट के साथ हेल्थी भी होगा। तो आप भी इसे एक बार मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरा ये हॉट एंड सोर सूप कैसा लगा है ये कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मेरे फ्यूचर अपडेट्स में मैं और कई तरह के सूप्स आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।